धीरे धीरे चल पाती हूँ। और फ्रैक्चर हुआ था और डॉक्टर ने बोला कि इतना ज़्यादा वो नहीं है, उससे ही सही हो जाएगा, पता नहीं, फिर भी सही नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं उस गांव में, तो गांव से थोड़ी दूर इनका ये ट्यूबवेल पड़ता है जो यहाँ पे पैर सही करते हैं उनका, तो यहीं पे वो लोग रहते हैं और घर भी है लोगों के। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, ये देखिए मेरा पैर बंधा हुआ है। इन्होंने पहले 8 दिन पहले इन्होंने पट्टी की थी कि ये जो मेरी गांठ है ये गांठ नीचे पहुंच गई थी ये वाली, तो उसकी वजह से ये गांठ नहीं। नमस्कार ऐसे दोस्तों, उस तरीके से ये मेरे ब्लॉग चैनल में पट्टी बांधी हुई है दोस्तों, स्वागत है। आज मैं आगे तो दोस्तों मैं आई हूँ यहाँ पे अपना पैर सही कर वाली फिर आ जाना। अब और पता लगा, मैंने बताया था कि 1.5 महीना हो गया है, 9वीं को मेरे पैर में लग गई थी और आज 3-4 बार मैंने दिखा चुकी हूँ। आज मैं तीसरी जगह आई हूँ पैर सही करवाने के लिए। एक बार यहाँ पे और आई थी तो तब मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, उन्होंने चढ़ाया था पैर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और आज मैं फिर आई हूँ दिखाने के लिए, तो काफ़ी थोड़ा सा मेरे को रिलीफ महसूस हो रहा है, काफ़ी सही लग रहा है पैर में। और देखते हैं सही जल्दी जल्दी हो जाए तो आपको टाइम टू टाइम ब्लॉग मिलते रहेंगे, तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। तो वो भाई साहब आ गए हैं, पैर जो देखते हैं वो मेरे पट्टी खोल रहे हैं और इस पर इन्हें बोला था कि लगातार इस पर घी की पट्टी, देसी घी की पट्टी करते रहना, इसकी पट्टी के ऊपर घी डालते रहना, जिससे जो हड्डी जो खिसकी हुई है टूटी हुई है वो मजबूत हो जाएगी। तो इसकी वजह से, और आप देखिए कैसे किस तरीके से पट्टी बंधी, वो ऐठ ऐठ के जो पट्टी बंधी हुई थी, वो अभी मेरा क्या हाल होने वाला है तो ये देखना। बहुत दर्द होता है, एक दो जगह और मैं गई हूँ चढ़वाने के लिए पैर, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है और इसीलिए आपको वीडियो टाइम से मिल नहीं पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब मेरा पैर ही सही नहीं है तो मैं ऊपर नीचे कहीं जा आ नहीं पा रही हूँ, तो इसकी वजह से मुझे दिक्कत होती है। तो अब मैं चल भी पा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा चल भी ले रही हूँ। इनने इतना पैर तो सही नहीं, तो पहले पैर भी नहीं रख पाती थी। देखो मैं चल के दिखा रही हूँ, उनने बोला कि चल के दिखाओ थोड़ा सा, तो मैं चल के दिखा रही हूँ। तो मैंने सोचा ये आपको वीडियो डाल के दिखा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर ही फ्रैक्चर वगैरह सही करते हैं, और जो जो गांव में रहते हैं वो भी लोग सही कर देते हैं और बढ़िया सही कर लेते हैं। जो लोग फ्रैक्चर हो जाता है, कभी कभी डॉक्टर से भी सही नहीं होता, तो वो ये लोग सही कर लेते हैं। तो काफ़ी चक्कर काट के मैं बता रही हूँ कि ये देखो अब मेरे को, अब फिर बैठ के ये पैर दिखाएंगे, पैर ये देखेंगे कि ये बोल रहे हैं कि कहाँ कहाँ अभी दर्द है ये बताओ। तो मेरे को पंजे में दर्द है और गांठों में थोड़ा थोड़ा दर्द रह गया है, तो आप ये देखेंगे। तो ये देखिए कैसे देख रहे हैं वो पैर, छूते हैं तो मुझे दर्द होता है। और तो अब दोस्तों अब ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, आप खुद ही देख लीजिएगा। कपड़ा को कटु इंतजाम करो, ये तो की पट्टी ले आई है, मेरा गरम पट्टी ले आई थी। अब बता वहां चले तो चल ले ना, यहां आओ परेशान ना सुन, बस नहीं नहीं ऐसे तुम दबाओ पैर, अरे ले दबाओ, हां जिन में दर्द हो जी, जिन में दर्द है ये बनते, हां हां जिन नसन में और हड्डी में भले को दर्द हो, और शायद जो मुड़ेगा वो इतना ही जाकर दर्द हो। ना डब्बू हो खोलो तो ना और हो जाए। हाँ जो कुत्ता जाओ ना। निर्जन में जाएंगे फ्रैक्चरों का, आ
बैद आवेंगे मारने के तो दर्द करेंगे आ रहा हूँ बस नहीं बांध रहा है बंदे से ही आ रहा हूँ अरे बंदे से ही आ रहा हूँ बस गांठ के ऊपर बंधी है कि नीचे भैया तब मुझे बांध लग गया तो कच्ची आके मुझे कारीगरी मंदिर है तू ये हो तो नहीं ये नहीं आ रहा है तो फोन नंबर ले लियो मो ना पता लियो हां काय सूजने आई तो आ जा नीलो बच जा तो पाऊ सिगर आवे 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 आले ही आते जा सूजन ना रे बाद ने मेरे पे चढ़वाए के आई 3 घंटा रोई लगातार मां बाजो नहीं बा मां कालपुरा वहां सो नहीं चढ़वा वहां कहीं कालपुरा कालपुरा जाना हुआ था ना काय रो जाएंगे ए टपकन मच रही जावे मैं तस नहीं देखो मोड़े से भाग गए द्वार रोती रहो के लिए और ऐसी बात सही कह रहा है बुरी तरह रो रही है ना क्या डकरा डकरा के तो गौरव बीतते ही दवाई लेके आओ तो दवाई खाई अब कहूँ असर भाव लगे तो जाते हाल है बड़े गलती का बात है हेलो हैं एक रुपये बन जी तो ना ते ये तो कत्ते कर रहा हूँ ना एक पैसा रहा हूँ पैसे अब पाऊँ ना दस का तो लो लो देखो यार नहीं
बहुत दूध दबाओ, अब तुम तैयार रह जाओ। बेबी रोएंगे नहीं, मैं देखे हूँ। जो चाय का ये सर ही हां ये का ये बना लो वहां का जैसा नहीं जी आगे टूटी आती पहले तो देखो इस तरह तुम देख ले तो जी पहले बिल ने चढ़ाओ यहां क्या दी टूटी से जुड़े कर जिन के गुरुजी के हम मालूम है जिनको जची नहीं जिनको गुरुजी पहले तो चढ़ा दो जिन ने मैं ना पैर चढ़वा के आ गई हूँ अपना, और अभी इसमें ना बहुत ज्यादा सूजन आ गई है, और मैंने दवा ले ली है ना फिर भी मैं दवा ले वो खैर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। चढ़वाने गई थी, आपने तो देखा होगा कितना दर्द हो रहा था पैर में। उसके बाद में अभी आके मैंने खाना खाया, उसके बाद में टेबलेट ली तो वो भी दर्द बहुत भयंकर है, सूजन भी है और गौरव भी नहीं है, कोई नहीं है, अकेली पड़ी हूँ इस कमरे में। तब से रो रही हूँ, गाइस वीडियो अब पता नहीं कब तक आएंगे, मुझे पता नहीं है। मेरा पैर सही नहीं हो पा रहा है, कहीं इधर दिखा रही हूँ कहीं उधर दिखा रही हूँ, पता नहीं कैसे लग गए के। बाय दोस्तों।